पीपी न्यूज लाइन के आज के इतिहास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 29 जून है, तो आइए झांकते हैं 29 जून के इतिहास के पन्नों में। 1444 सिकंदर बेग ने ऑटोमन साम्राज्य की सेना को आज ही के दिन हरा दिया था। 1864 29 जून कनाडा में रेलवे दुर्घटना में 90 लोग एक साथ आज ही के दिन मारे गए थे। 1893 भारतीय वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महाल नोबिस का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1960 29 जून यानी कि आज का ही दिन बीबीसी के अध्यक्ष ने आज ही के दिन घोषणा की थी कि संस्था का नया टेलीविजन केंद्र टेलीविजन जगत की दुनिया का हॉलीवुड होगा। 1974 29 जून मारिया अस्तेला ईसा बेल मार्टिनेज दी पोरोन ने अर्जेंटीना की अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर आज ही के दिन शपथ ली थी। 1901 29 जून यानी कि आज का ही दिन भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1931 भारतीय साहित्यकार पत्रकार मेहता लज्जा राम का निधन आज ही के दिन हुआ था। 2007 29 जून आईफोन के नाम से जाने वाला एप्पल का पहला स्मार्टफोन 2007 यानी कि आज ही के दिन बाजार में आया था। 2012 हॉलीवुड अभिनेता जाने माने टॉम क्रूज और उनकी पत्नी कैटी होम्स का तलाक आज ही के दिन हुआ था। पीपी न्यूज लाइन के आज के इतिहास में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। जय हिंद, जय भारत।